प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में यानी कि 1 से 12 हफ्ते के दौरान पेट में हल्का दर्द होना सामान्य सी बात है, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर के अंदर काफ़ी सारे बदलाव हो रहे होते हैं जिसके कारण आपका गर्भाशय भी फैलता है और लिगमेंट्स स्ट्रेच होने लगते हैं। मॉर्निंग सिकनेस रहती है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत पेट में दर्द होना नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है वह पेट के दूसरे ऑर्गन्स को डिस्प्लेस भी करता है, जिस वजह से आपका जी मचलाना और बिना कुछ खाए ही ऐसे महसूस होना जैसे कि आपका पेट बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है, हल्का पेट में दर्द होना, ये सब सामान्य सी बातें हैं। इस दौरान पेट में गैस या कब्ज की वजह से भी आपको पेट में दर्द होने की समस्या हो सकती है। हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से भी पेट में कई प्रकार से दर्द हो सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पीरियड्स जैसा पेन या हल्का दर्द महसूस हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज करने पर यह दर्द ठीक हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है या फिर पेट में दर्द के साथ उल्टियाँ हो रही हैं तो किसी तरह का रिस्क लेने की बजाय आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुरंत ही अपनी जाँच करवाएँ और डॉक्टर को सारी समस्या के बारे में बताएँ। इस तरीके का दर्द आपके लिए एक बड़ा सबक बन सकता है, इसलिए इस दौरान आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरीके का दर्द आपको हो रहा है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे दिए बेल के आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें।